हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और पिछले 2500 सालों में इंडिया से कई बार भरपूर खजाना हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो चुका है। जैसे कि राजा मानसिंह का अफगानिस्तान से लूटा हुआ खजाना, जो माना जाता है कि उन्होंने जयगढ़ किले में छुपा दिया था। लेकिन जब इसके एक छोटे से हिस्से की कीमत ही 345 करोड़ है, तो फिर पूरे खजाने की कीमत कितनी होगी? पर ये तो कुछ भी नहीं है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद थिरुवनंतपुरम के पद्मनाभा स्वामी टेंपल के सीक्रेट वॉल्ट्स खोले गए, जिसमें से 90,000 करोड़ वर्थ का खजाना बाहर आया। 90,000 करोड़। और मजे की बात पता है क्या है? इन्हीं वॉल्ट्स में से एक के अंदर और दो ऐसे सीक्रेट वॉल्ट्स है जो टेम्पल अथॉरिटीज खोलना ही नहीं चाहती है। तो सोचिए जरा, इस मंदिर में कैद सारे वॉल्स के खजाने की असली वैल्यू कितनी होगी, और आखिर क्यों इन सीक्रेट वॉल्स को खोलने नहीं दिया जा रहा है? इतना ही नहीं, 2500 साल पहले मगध के राजा बिंबिसारा की रानी ने खुद के बेटे अजातशत्रु से शाही खजाना छुपाकर एक गुफा में गाड़ दिया था। अब रानी ने ऐसा क्यों किया, और क्या हमें कभी इस खजाने का कुछ पता चला? एंड आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर गलती से भी आपके हाथ ये खजाना लग गया तो हो जाएंगे ना वारे न्यारे। सो बने रहो भाई लोग इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ गुप्त चीजें बताने वाला हूं जिससे टोटली आपका माइंड ब्लो होने वाला है। सो लेट अस गेट ऑन विद टुडेज वीडियो टाइटल्ड इंडियन ट्रेजर्स दैट आर येट टू बी फाउंड। सो जैसे कि मैंने बताया था, राजा बिंबिसार के खजाने को खुद उन्हीं की रानी ने गुफा में छुपा दिया था। लेकिन आखिर रानी ने ऐसा क्यों किया? वेल, इसकी वजह थी राजा के बेटे अजातशत्रु। जी हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि राजा बिंबिसारा सालों तक मैरिज अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट के जरिए अपना राज्य को एक्सपैंड करने में लगा था, जिससे ऑब्वियसली मगध का शाही खजाना भी बढ़ता चला गया। लेकिन अपने राज्य के धन और सीमा को बढ़ाने वाले बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु के मन में बढ़ते सत्ता के लालच की सीमा को नहीं देख पाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि बिंबिसार अपने बेटे के षड्यंत्र में फंस गया और उसे कैद कर लिया गया। लेकिन अजातशत्रु के इस घिनौने षड्यंत्र को देखकर राजा बिंबिसार की रानी ने राजा के शाही खजाने को अजातशत्रु से बचाने के लिए उसे अपने रॉयल पैलेस से निकालकर एक गुफा में गड़वा दिया, जिससे कि उसके हाथ न लग सके। जो गुफा बिहार के राजगीर में सोन भंडार केव, जिसका मतलब है स्टोर ऑफ गोल्ड, के नाम से जानी जाती है। और कहा जाता है कि रानी ने खजाने को छुपाने के लिए जैन मंक्स को दान किया था जो गुफा में रहा करते थे, और जिन में से एक ने अपनी शक्तियों से खजाने को गुफा के एक सुरंग में गाड़कर सुरंग को गुफा के पत्थरों से बंद कर दिया था। आज भी इस गुफा के एंट्रेंस के साइड में एक इंस्क्रिप्शन मौजूद है, जिसे लोग खजाने तक पहुंचने का एक क्लू मानते हैं। अब वैसे तो इसे कहने के लिए डिसाइफर कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब आज भी एक डिबेटेबल इश्यू बना हुआ है, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ किसी खजाने का पता नहीं चला है। लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन का मतलब पूरी तरह से मिल जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या हम उस खजाने को ढूंढ निकाल पाएंगे जो इतना ज्यादा था कि एक बेटे ने उसकी लालच में अपने ही पिता को कैद कर लिया था? खजाने को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम अगर आज से 46 ईयर्स पहले, यानी कि 1975 तक चले जाए, तो हम इंडिया के इमरजेंसी पीरियड में आ जाते हैं। अब इमरजेंसी तो आपको याद ही होगी, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने की कोई ठोस वजह थी ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ खजाने की तलाशी करने की खातिर लगाई थी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अमेर के राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के खास नवरत्नों में से एक थे, और उन्हें मुगल आर्मीज का कमांडर इन चीफ भी बुलाया जाता था, जिसके कुछ समय बाद ही मुगल एम्पायर के दक्षिण सीमाओं से बार बार अफगान ट्राइब्स का हमला आते देख अकबर ने उन्हें अफगानिस्तान पर हमला करने भेजा, ताकि वेस्टर्न बॉर्डर्स सुरक्षित रहे। और मानसिंह ने अफगानियों को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उनके शहरों को लूटा और ढेर सारा खजाना अपने साथ राज्य लेकर लौटे, जो बरसों तक मानसिंह के खानदान में ही रहा। यही खजाना उनके वंशज सवाय राजा जयसिंह से होते हुए गायत्री देवी के हस्बैंड राजा मानसिंह टू के पास आ पहुंचा। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सारे फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज की कई सारी प्रिविलेजेस और राइट्स छीनी गई। साथ ही इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज को अपोज करने की वजह से गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की एक पर्सनल राइवलरी शुरू हो गई। और जब 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, तब गायत्री देवी के जयपुर पैलेस की रेजिडेंस पर टैक्स लॉज वायलेट करने की वजह से इनकम टैक्स रेड पड़ी,
इस रेड से एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें सवाई राजा जय सिंह के खजाने का जिक्र था और जिसे जयगढ़ फोर्ट में रखा गया था। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि रेड के दौरान इनकम टैक्स टीम को 4 क्विंटल्स ऑफ गोल्ड और कई सारे ज्वेल्स उनके पैलेस में मिले जो रॉयल फैमिली ने टैक्स अथॉरिटी से छुपाए रखा था। इसके बारे में थिरुवनंतपुरम के लोग अच्छे से जानते थे और शायद इसीलिए 2011 में केरला हाईकोर्ट में उन्होंने टेम्पल अथॉरिटीज यानी थिरुवनंतपुरम के रॉयल फैमिली के खिलाफ एक प्राइवेट पिटीशन फाइल किया कि वो इस खजाने का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बरसों से मंदिर की देखभाल और एडमिनिस्ट्रेशन रॉयल फैमिली ही करती आई थी और इन्होंने खजाने को टैक्स अथॉरिटीज से हमेशा बचा के रखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि मंदिर का खजाना स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना चाहिए, जिसके जवाब में रॉयल फैमिली ने इस फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। पर इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंटेड मेंबर को पूरी टीम के साथ मंदिर के वॉल्ट्स खोलने के लिए भेजा ताकि खजाने में मिलने वाले आइटम्स की एक इन्वेंट्री बनाई जा सके। और टीम के मंदिर पहुंचते ही कमिटी को 6 वॉल्स के बारे में पता चला, वॉल्स ए बी सी डी और एफ। इनमें से ए सी डी ई और एफ को खोला गया और खोलने के बाद जो मिला उसके बारे में सुनकर शायद आप विश्वास न कर पाओ, क्योंकि सिर्फ वॉल्ट ए से ही 1,02,000 अति मूल्यवान चीजें मिली, जैसे कि 4 फुट की एक शुद्ध सोने की महाविष्णु की मूर्ति, एक शुद्ध सोने का सिंहासन, मंदिर में मूर्तियों को पहनाने के लिए सैकड़ों सोने के गहने, कई सारे सोने के हार, अंगूठियां और 1200 शुद्ध सोने की मोहर जिसपे लगे थे चमकते हुए असली रतन। इसके अलावा खजाने में एंशियंट रोमन गोल्ड कॉइन्स, 18 सेंचुरी के नेपोलियनिक एरा गोल्ड कॉइन्स भी, जिनकी कीमत आज करीबन 345 करोड़ तक मानी जाती है। और इसीलिए इन सभी चीजों को सीज करके गायत्री देवी को 5 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। और जब वो जेल में सजा काट रही थी तब इंदिरा गांधी ने अपनी अगली चाल चली। जब खजाने का पता चलते ही उन्होंने एक मिलिट्री इंस्पेक्शन टीम को खजाना ढूंढ निकालने के लिए भेजा जयगढ़ फोर्ट में, लेकिन 3 महीने तक चले सर्च के बाद भी खजाने का नामो निशान नहीं मिला। और आज ऐसा माना जाता है कि इनकम टैक्स रेड, गायत्री देवी का जेल सेंटेंस और मिलिट्री इंस्पेक्शन और कुछ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी का गायत्री देवी से बदला लेने का एक जरिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस डॉक्यूमेंट में जिक्र किया हुआ राजा जय सिंह का खजाना आखिर गया कहां? क्या इंस्पेक्शन होने के पहले ही इसे सक्सेसफुली छुपा दिया गया था? वेल, अफसोस, इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। और हो सकता है अभी भी वो खजाना उधर ही कहीं आसपास के एरियाज में कहीं गड़ा हुआ है। लेकिन क्या छुपाया गया है और क्या नहीं, ये तो हम अब देखेंगे, क्योंकि ठीक ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार इंडिया के एक मंदिर में छुपा है जिसका पता 2011 तक दुनिया को था ही नहीं। और ये मंदिर है थिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो हिस्टोरियंस के मुताबिक 8th सेंचुरी CE में चीरा किंगडम के राजाओं ने बनाया था। इसे बनाने के बाद साउथ इंडिया के हर रूलिंग डायनेस्टी ने इस मंदिर को बेशुमार रकम में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात डोनेट किए, जो उनकी तिजोरियों में सदियों तक जमा होते रहा, जैसे कि पांड्या, पल्लवा और चोला डायनेस्टीज। लेकिन इस लिस्ट में सब कुछ फिट नहीं हो सकता, क्योंकि कई आइटम्स तो इंडिविजुअली मिले जिन्हें किसी के साथ क्लासिफाई तक नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सिर्फ वॉल्ट ए के खजाने की कीमत आज 90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ये तो उस खजाने की बात हुई जो हमें मिला है, उस खजाने का क्या, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। वेल, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 6 वॉल्ट्स में से सिर्फ 5 खुले हैं और वो भी SC के ऑर्डर आने के बाद, जबकि रॉयल फैमिली तो वॉल्ट बी को खोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि इस वॉल्ट के अंदर खजाने की सुरक्षा पवित्र सांप या नाग करते हैं। इतना ही नहीं, इस वॉल्ट के दरवाजे पर 2 बड़े नाग की मूर्ति भी मौजूद थी जो लोगों को चेतावनी देती थी कि अंदर जाना मना है। अपने इस वॉल्ट की रक्षा के लिए रॉयल फैमिली SC से लड़ती रही ताकि इंस्पेक्टिंग कमेटी उसे खोलकर उस खजाने की इन्वेंट्री ना बना पाए। इसी दौरान कमेटी को पता चला कि वॉल्ट बी के अंदर और 2 खुफिया वॉल्ट्स हैं, वॉल्ट जी और वॉल्ट एच। अगर वॉल्ट्स ए सी डी ई और एफ से इतना कुछ मिला तो सोचिए अब वॉल्ट्स बी, जी और एच में क्या क्या मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये आता है कि आखिर क्यों रॉयल फैमिली इन्हें पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती। और इस लंबी कहानी का अंत होता है
2020 के SC के फैसले के साथ, जहां SC ने रॉयल फैमिली के फेवर में फैसला सुनाया कि टेंपल मैनेजमेंट के राइट्स रॉयल फैमिली के पास ही रहेंगे और वॉल्ट पी को नहीं खोला जाएगा। आई वंडर सो डेस्परेटली कि उसके अंदर क्या है, आप लोग को नहीं जानना है। वेल, मंदिर के तिजोरी से खजाना ढूंढ निकालना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरे खजाने हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी क्यों नहीं मिल रहे हैं? दरअसल इन खजानों के सोर्सेस बहुत ही अनरिलायबल है, क्योंकि ये लोकल फोकलोर या कहानियों से आते हैं, इसीलिए इनके हिस्टोरिकल बैकिंग या एविडेंस के नामो निशान तक हमें नहीं मिलते। जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स की रेड वाली डॉक्यूमेंट पे राजा जय सिंह के खजाने का जिक्र था, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और क्लूज ही नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सके। और फिर कई लोग ऐसे खजाने को छुपाकर ही रखना चाहते हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम की रॉयल फैमिली ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना छुपाकर रखा था और रख रहे भी है गवर्नमेंट के बैकिंग के साथ। लेकिन मान लो कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना केरला के लोगों या स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है, तब क्या होगा? वेल, खुशी और सेलिब्रेशंस के साथ ही हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि खजाने से मिली हुई चीजें वर्क्स ऑफ आर्ट मानी जाएंगी और उन्हें अच्छे से कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम्स में रखना पड़ेगा। और क्या इन चीजों को बेचकर जो रकम आएगी उसे देश के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है या गरीबों में बांट दिया जा सकता है, या फिर क्या हम इन चीजों पर हिस्टोरिकल रिसर्च करना शुरू कर दें? क्योंकि इन आइटम्स के जरिए हम लिटरली इंडिया के 1000 से 2000 साल के इतिहास को ट्रेस कर पाएंगे। वेल, इन सवालों पर ठोस डिबेट और डिस्कशन के बिना कोई भी फैसला लेना बेवकूफी हो। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? क्या आपको ये सभी खजानों के बारे में जानना इंटरेस्टिंग लगा, और क्या आप ट्रेजर हंट पर निकलना चाहोगे? क्या पता आपके हाथ कोई खजाना लग जाए और आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और हमेशा अपने नॉलेज को अपडेटेड रख सको। विद दैट सेट, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।